We've talked about the past. We've talked about the future. Now it's time to talk about forever. Hey guys, मैं हूं सचिन निगम और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर का फुल ब्रेकडाउन। वैसे मैंने मार्वल की फेज 4 के अंदर क्या क्या आने वाला है उन सब के ऊपर बात की है, ये रही वीडियो, यहाँ पे क्लिक करके देख लेना उन्होंने क्या क्या अनाउंस किया है। आज की इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पूरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन। मैं बताऊंगा इन कैरेक्टर्स के बारे में जिसके अंदर हमें देखने मिले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कहानी कहाँ जा रही है। तो गाइस, मैं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर ट्रेलर की शुरुआत की बात करें ना, तो हमें देखने को मिलती है नाकिया। अब नाकिया एक बीच के ऊपर खड़ी है और ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड में देखेंगे ना, तो आपको एक एस्टेक पिरामिड देखने को मिल जाएगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये एस्टेक पिरामिड है, क्योंकि ऑब्वियसली एक इमेज आप इसकी देख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि जो नेमोर है ना इस मूवी के अंदर, वो अटलांटिस से नहीं, वो एस्टेक कल्चर से होने वाला है। जी हाँ, तो एस्टेक कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा नेमोर होने वाला है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर जब नाकिया यहाँ पे खड़ी हुई है ना, मेरे हिसाब से ये नेमोर के जो नेमोर का जो किंगडम है ना, वहां पर एंट्री लेने वाली है, या फिर नेमोर की किंगडम से वो बाहर आ चुकी है और जो फाइट सीन है वो चालू होने वाला है। तो हाँ, ये एस्टेक पिरामिड है और नेमोर जो है वो एस्टेक कल्चर को सिंबलाइज करेगा इस मूवी के अंदर। पूरी ट्रेलर के अंदर हमें मेजोरिटी के जो सीन दिखाए जाते हैं ना, वो दिखाए जाते हैं त'चाला के फ्यूनरल से रिलेटेड। हम देख सकते हैं एक सेरेमनी भी हो रही है जहां पर सब लोगों ने व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं एंड दे आर डांसिंग, दे आर हैप्पी। ऐसा हो सकता है कि वकांडन कल्चर के अंदर जो चैडविक बोसमैन की डेथ है ना, वो एक सैड मोमेंट नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको याद होगा सिविल वॉर के अंदर चैडविक बोसमैन बोलता है कि डेथ इज नॉट द एंड। इन माय कल्चर डेथ इज नॉट द एंड, इट्स मोर ऑफ ए स्टेपिंग ऑफ पॉइंट। यू रीच आउट विद बोथ हैंड्स एंड बस्ट एंड सेगमेंट दे लीड यू इनटू द ग्रीन वेल्ट वेयर यू कैन रन फॉरएवर। तो हो सकता है इनके कल्चर के अंदर जो डेथ है ना, उसको सेलिब्रेट किया जाता हो, और ये जो पूरा सीन हमें दिखाया गया है जहां पर लोग व्हाइट कपड़ों में हैं, ये चैडविक बोसमैन की डेथ का ही सीन हो सकता है। आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिलेगा कि किस तरह से चैडविक बोसमैन की इंजरी को यहां पर दर्शाया गया है और कहीं ना कहीं इनके फ्यूनरल को ना एक बहुत ही अच्छे तरीके में दिखाया गया है। अब सैडली इस मूवी के अंदर चैडविक बोसमैन नहीं होने वाले, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। उन्होंने कैंसर वाला जो राज है पूरी दुनिया से छुपाया, और कैंसर होने के बावजूद भी अब जो इन्फिनिटी वॉर, ब्लैक पैंथर, एवेंजर एंड गेम जैसी मूवीज के अंदर उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया, जिसकी मैं बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कैरेक्टर या वो एक्टर इस दुनिया में नहीं है तो मैं अच्छा बोल रहा हूँ। ही इज एक्चुअली अ गुड एक्टर, ही वॉज एक्चुअली अ गुड एक्टर, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी लेगेसी को। और मुझे लगता है मार्वल भी कहीं ना कहीं चैडविक बोसमैन की जो लेगेसी है ना, उसको रिस्पेक्ट करेगा। और केविन फाइगी ने ऑलरेडी कह दिया था कि त'चाला को हम रिकास्ट नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस मूवी के अंदर एक नया ब्लैक पैंथर नहीं देखने को मिलेगा। वैसे ट्रेलर के अंदर ऑलरेडी हमें एक नया ब्लैक पैंथर देखने को मिला है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ट्रेलर के अंदर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वकांडन काउंसिल है और चार जो है डोरा मिलाजी की मेंबर जो है वो खड़ी हुई हैं। अगर इनके बैकग्राउंड में देखें तो आपको चार अलग अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से वकांडा की ये चार ट्राइब हो सकती है, जिनका नाम है रिवर ट्राइब, मैनी ट्राइब, मर्चेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब। इनमें से कौन सी है ये तो मैं नहीं पता, बट मेरे हिसाब से एक कॉन्फ्लिक्ट हमें वकांडा के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर ब्लैक पैंथर के मेंटर के लिए ना, या फिर ब्लैक पैंथर की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़े सवाल उठने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये जो चारों क्लान है ना, इनके अंदर एक दूसरे को लेकर फाइट भी हो सकती है। पुराने वाली मूवी के अंदर, यानी कि फर्स्ट ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर, हमने चारों ट्राइब के बारे में जाना था और किस तरह से हमने ये जाना था कि ब्लैक पैंथर जो गॉडेस है, यानी जो बास्ट गॉडेस है, उसकी ये पूजा करते हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर मुझे लगता है कि चारों क्लैन के अंदर लड़ाई हो जाएगी, जो कि हमें ट्रेलर के आने वाले सीन्स के अंदर दिखाई भी देती है। फिर हमें दिखाया जाता है नेमोर का फर्स्ट लुक, जब उसकी मदर जो है उसको बर्थ दे रही है पानी के अंदर। छोटा सा ईस्टर एग है यहाँ पे, आप गौर करना, नेमोर जब पैदा हो रहा है तब उसके पैर पे छोटे छोटे विंग्स है। ये एक नॉट है कॉमिक्स का, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी नेमोर जो था ना, उसके पैर पे छोटे छोटे विंग्स है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि जो नेमोर होने वाला है वो बिल्कुल एक्वामैन की तरह होने वाला है, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा नहीं होने वाला है। मार्वल ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है नेमोर के ओरिजिन को चेंज करके, बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, क्योंकि अटलांटिस नहीं है, एस्टेक कल्चर है। साथ साथ इमेजरी अगर आप नेमोर की देखेंगे ना, तो बहुत ही अमेजिंग है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि एस्टेक कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए नेमोर जिम्मेदार होने वाला है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। उसके बाद मूवी का मेन प्लॉट दिखाया जाता है, जहां पर हम देख सकते हैं सी के ऊपर माइनिंग हो रही है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कैसे यहां पर कुछ साइंटिस्ट आएंगे और वो हमारे वाइब्रेनियम की माइनिंग करना चाहते हैं, तो ये वो सीन होने वाला है। उसके बाद एक सीन देखने को मिलता है शुरी का और हमारी डोमिनिक थॉर्न यानी कि रिरी विलियम्स का, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मूवी के अंदर ना रिरी विलियम्स का ओरिजिन स्टोरी भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि रिरी विलियम्स जो है ना, वो हैमर मार मार के अपना खुद का सूट बना रही है और हार्ट की जो शेप है ना, वो अपने सूट के लिए बना रही है। तो ऑब्वियसली आयरन हार्ट की जो ओरिजिन है हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी।
फिर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से वकांडा के अंदर जो है अटलांटिस के बंदे जो है या एस्टेक कल्चर के जो बंदे हैं, नेमोर की जो पूरी टीम है वो आ चुकी है और किस तरह से यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। हम देख सकते हैं नेमोर का जो फुल लुक है मैं दिखाया जाता है, जहां पर मुझे ये कैरेक्टर बहुत मस्त लगा। तो जैसे कि ब्रेकडाउन के पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से वकांडा के अंदर एक वॉर होने वाली है, जहां पर वकांडा ऑलरेडी जो अटलांटिस वाले लोग हैं या फिर एस्टेक कल्चर के जो लोग हैं, नेमोर के जो लोग हैं उनसे लड़ेगा, लेकिन साथ में वकांडा की जो चार ट्राइब है वो भी एक दूसरे लड़ने वाली है। होता यह है यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो ब्लैक पैंथर की जो ट्राइब थी ना, जो मेन ट्राइब थी हम कह सकते हैं, वो पूरे वकांडा की रक्षा करती थी, लेकिन नेमोर ने ना पूरे वकांडा पे हमला कर दिया होगा, इसलिए जो ट्राइब्स है ना वो एक दूसरे से भिड़ गई हैं और वो ये चाहते हैं कि वकांडा का कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। कुसीना में दिखाए जाते हैं जहां पर वकांडा के अंदर फाइट हो रही है डोरा मिलाजी की और उन साइंटिस्ट के बंदों की जो कि यहां पर माइनिंग करने आए हैं हमारे वाइब्रेनियम की। एक सीन के अंदर हमें अटूमा दिखाया जाता है और नेमोरा दिखाई जाती है, तो हाँ ये कैरेक्टर भी होने वाले हैं इंपॉर्टेंट इस पूरी पूरी मूवी के अंदर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मूवी के अंदर जो मेन विलन है ना वो शायद अटूमा हो सकता है, वो नेमोर ना हो, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इन सब मूवी के खत्म होने के बाद में हमें इस मूवी का मेन विलन देखने को मिले, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है अपने प्लॉट लीक के अंदर, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और लास्ट में हमें सीन दिखाया जाता है एक नए ब्लैक पैंथर का। अब ये जो ब्लैक पैंथर सूट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गोल्डन सूट है, तो आप ये मत समझना कि ये गोल्डन जैगुआर है, नहीं माइकल बी जॉर्डन का कैरेक्टर है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि माइकल बी जॉर्डन हमें इस मूवी के अंदर देखने को नहीं मिल सकते। ऐसा पॉसिबल है कि इस मूवी के एंड में या फिर मूवी के बीच में जब जो कोई भी जो है ब्लैक पैंथर बनने वाला हो ना, तब माइकल बी जॉर्डन देखने को मिले। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपको ब्लैक पैंथर दिख रहा है ना, ये कोई और नहीं है, ये है शूरी। कुछ लोग मेरे हिसाब से इस चीज से एग्री नहीं करेंगे और कुछ लोगों को लगेगा कि ब्लैक पैंथर का मेंटल जो है वो शूरी को नहीं मिलना चाहिए। आई डू नॉट नो, मैं एग्री करता भी हूं और एग्री नहीं भी करता हूं। मेरे हिसाब से फिलहाल मूवी को संभालने के लिए शूरी ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मूवी के दौरान हमें कई सारे कबीले मिले जो कि चाहते हो ब्लैक पैंथर बनना, जैसे शूरी भी ब्लैक पैंथर बनने के लिए ट्राई कर सकती है, मम्बाकू भी ट्राई कर सकता है, और अगर अदर ट्राइब के लोग हैं ना तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इस शॉट के अंदर तो मुझे लगता है कि ब्लैक पैंथर के जो सूट में है ना वो शूरी ही है। ये जो शॉट है ये मूवी की शुरुआत का, मिडिल का, एंड का भी हो सकता है। इसका मतलब ये समझो आप कि मूवी के एंड आते आते चाहे मूवी के दौरान शूरी ब्लैक पैंथर बन जाए, लेकिन मूवी के एंड आते आते एक डेफिनेट ब्लैक पैंथर कौन होने वाला है ये एज ऑडियंस में पता डेफिनेटली चल जाएगा। और यहाँ पे होता है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर का एंड। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर के अंदर जो इमेजरी है ना वो मोस्टली फोकस की गई है चैडविक बोसमैन की डेथ के ऊपर। मेरे को ये लगता है कि ये मूवी इतनी अच्छी हो सकती थी अगर चैडविक अलाइव होते आज के डेट में, बट कोई बात नहीं, मार्वल वाले भी ट्राई कर रहे हैं। मार्वल वालों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि अभी ये जो मूवी है ना ये कल्चरल इम्पैक्ट से ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट डाल सकती है लोगों पर अगर उन्होंने थोड़ी सी भी गलती की। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो बिल्कुल भी गलती ना करे, एंड आई वॉन्ट दिस मूवी टू बी अ परफेक्ट मूवी, क्योंकि लास्ट मूवी 2018 वाली वॉज अ माइंड ब्लोइंग मूवी। मैं चाहता हूँ ब्लैक पैंथर टू भी कुछ ऐसा करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो ना तो कमेंट सेक्शन बताना जरूर। फेज 5 की पूरी अनाउंसमेंट देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करके देखो। शी हल्क और वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर का रिएक्शन देखना है तो सचिन टॉक्स वाले चैनल पर चले जाना, यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाकर डेफिनेटली देख। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। My guest, take love you all and have a great amazing day.